दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोयम ट्रू वर्शिप को कवर करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सी और छोटी सी पोयम है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो ट्रू वर्शिप का मतलब समझते हैं। ट्रू वर्शिप का मतलब होता है सच्ची प्रार्थना। क्या प्रार्थना वो होती है जो हम लोग भगवान के घरों में जाकर के करते हैं या फिर कुछ और? तो सब कुछ हमें इस पोयम में समझ में आ जाएगा। ये पोयम का टेक्स्ट है, तो शुरू करते हैं। गो नॉट टू द टेम्पल टू पुट फ्लावर अपॉन द फीट ऑफ गॉड, मतलब भगवान के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए मंदिर मत जाओ। फर्स्ट फिल योर ओन हाउस विद द फ्रेग्रेंस ऑफ लव, पहले अपने खुद के घर को प्रेम की खुशबुओं से भरो। यहां पे फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू। गो नॉट टू द टेम्पल टू लाइट कैंडल्स बिफोर द अल्टर ऑफ गॉड, भगवान के अल्टर पर कैंडल जलाने के लिए मंदिर मत जाओ। अल्टर का मतलब होता है वो जगह जहां पे मोमबत्ती वगैरह जलाई जाती है, आपने चर्च में देखा होगा ऐसा कुछ। तो आगे पॉइंट बोलता है, फर्स्ट रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन फ्रॉम योर हार्ट, पहले अपने दिल से कालेपन को बाहर निकालो, पाप का कालापन, डार्कनेस ऑफ सिन। गो नॉट टू द टेम्पल टू बो डाउन योर हेड इन प्रेयर, भगवान की प्रार्थना में सर झुकाने के लिए मंदिर मत जाओ। फर्स्ट लर्न टू बो इन ह्यूमैनिटी बिफोर योर फेलो मैन, पहले इंसानियत के सामने सर झुकाना सीखो। गो नॉट टू द टेम्पल टू प्रे ऑन बेंडेड नीज, घुटनों पर बैठ कर की प्रार्थना करने के लिए मंदिर मत जाओ। फर्स्ट बेंड डाउन टू लिफ्ट समवन हु इज डाउन ट्रोडन, सबसे पहले तो जो गिरा हुआ है उसे उठाने के लिए झुको। गो नॉट टू द टेम्पल टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस, अपने पापों की माफी मांगने के लिए मंदिर मत जाओ। फर्स्ट फॉरगिव फ्रॉम योर हार्ट दोज हु हैव सिंड अगेंस्ट यू, सबसे पहले अपने दिल से उसे माफ करो जिसने तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत किया है। एंड दैट इज द ट्रू वर्शिप, ये है सच्ची प्रार्थना। आई होप आप लोगों को ये पोयम समझ में आई होगी।